कैसा पर्दा किए बैठे हो ओ रे जालिम कहाँ रहते हो कैसा पर्दा किए बैठे हो दीदार को हुआ अरसा और देखना मैं तरसा कब मेरे तुम कहलाओगे अब तो सावन भी बरसा मेरे मुंह पे कालक मल के चला गया मेरी एक बेटी को कमर में उतार गया और दूसरी को लेके भाग गया लेकिन मुझे डर लग रहा है डरने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी हमें ढूंढने के लिए नहीं निकलेगा और फिर मैं हो रहा तुम्हारे साथ हमें डरने की क्या जरूरत तुम मिन्हाज ARY की इकलौती औलाद हो और मिन्हाज ARY इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून हो मैं तुम्हारी शादी तो ऐसी करना चाहती हूँ ना कि लोग जिंदगी भर याद रखें डैड आप भूल रहे हैं कि निकाह के बाद तलाक की सूरत में आधा हक मेहर अदा किया जाता है और मैं इस मामूली सी रकम की खातिर सारी जिंदगी अपने आप को मुजरिम बनाए नहीं रख सकता मैं आज ही खाला के घर जाकर अर्जुमंद को उसका हक और तलाक दे दूंगा कैसा पर्दा किए बैठे हो ये मेडिसिन दे दो जी कितने दिन दे दूं एक हफ्ते की जी 1850 में दे दें थैंक यू इस बार तो मैं जीतूंगा ये देख चल बच्चे ये किंग और इसे कहते हैं हुक्म का इक्का और ये आता है ऐसे अरे यार हर गेम कदीर भाई जीत जाते हैं अरे कदीर भाई क्या हो गया बहुत बड़ी खबर लाए हूँ एक आपके लिए सुनोगे तो खुश हो जाओगे अच्छा कोई बहुत बड़ा मुर्गा फंसा लिया या कोई पर्ची हाथ आ गई बहुत ये तो रोज का काम है भाई हमारा मेरे पास जो खास खबर है वो आपके लिए है और सुनोगे तो खुश हो जाओगे अबे तो जल्दी बताना कौन सी खबर ले आया भाभी को देखा आज मैंने
भाभी को? मतलब तू उजाला की बात कर रहा है? जी। जल्दी बता कहाँ देखा, किस इलाके में देखा है, कहाँ रह रही है वो, पता मुझे बस, अभी जाकर उठा के ले आऊंगा मैं उसे। ये तो नहीं पता भाई कहाँ रह रही है, लेकिन अपने मोहल्ले के स्टोर में आई थी, उसके साथ बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़का था, गाड़ी में बैठ के जा रही थी कहीं। बेगैरत, तू उसका जिक्र किसी और के साथ मेरे सामने कर रहा है, बजाय उसका पीछा करने के तू यहां मुझे खबर देने आ गया। ऐसे मौके पर तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली जाती है? अरे कदीर भाई, वहां उधर के स्टोर चलते, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। तुम सब के सब निकम्मे हो गए हो, मैं कुछ ऐसा जेल में क्या रहा, सब नकारा हो गए तुम, एक लड़की का पता नहीं निकाल सके तुम लोग। अरे भैया बैठो, हम अभी लेकर आते हैं उसे। नहीं, मैं भी जाऊंगा, चलो। आप इस इलाके में क्या कर रहे हैं? मैं किसी की तलाश कर रहा हूं। तलाश करना तो बहुत मुश्किल काम है। लगता है आप भी किसी की तलाश में हैं। तलाश तो हम सभी को जिंदगी भर रहती है, या तो किसी इंसान की या फिर मकसद की। मकसद? आपसे एक बात पूछनी है। या? आपकी गाड़ी खराब नहीं थी, फिर आप मुझे वहाँ देख के रुक क्यों गए? Actually, you're right. मेरी गाड़ी काफी खराब नहीं थी, बस आपको अकेले स्टॉप पर छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। क्या आप सबके साथ ही इतने अच्छे? नहीं, ऐसा नहीं, पर जिन लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनके साथ मैं ऐसा ही। थैंक यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप अपने फ्रेंड के फियांसे को चाय पर इनवाइट करने वाले हैं? क्यों नहीं, मैं आपको अपनी अम्मी से भी मिलवा दूंगी, बस यहीं पर रुकते हैं। ओके। आए चलो। आई थिंक सम अदर टाइम, वो एक्चुअली आज मैं अभी तक ऑफिस गया नहीं हूँ। चलो ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। अल्लाह कब मेरे तुम कहलाओगे, अब तो सावन भी बरसा। काशिफ आए। भाभी आए ना, अपना ही घर समझे प्यार। काशिफ तुम्हारी भाभी अपनी पेरेंट्स के साथ उम्रे पे गई हुई है। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। तुम क्यों नहीं गए, तुम तो अच्छे खासे वेल ऑफ हो यार। यार वेल ऑफ होना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन बुलावे का होना जरूरी होता है। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा, लेकिन जरा जल्दी आ जाना, ठीक है? तुम्हें पता ना शाम में निकाह विकाह करना है। हाँ हाँ, मुझे याद है यार, निकाह के लिए मैंने काजी का भी बंदोबस्त कर लिया और दो गवाह भी तैयार है। यार तू टेंशन मत ले। और हाँ, सामने लेफ्ट पे रूम है, सेट है, तुम लोग चेंज करो, मैं आया। ठीक है। कैसा लगा तुम्हें घर? बहुत खूबसूरत है। मुझे भी नहीं पता था मेरा दोस्त ना अमीर होगा, गाड़ी शाड़ी होगी। खैर अभी हम रूम में चलते, तैयार होते हैं, फिर तुम्हारे शादी के जोड़े के लिए निकलेंगे। ठीक है, रेशम गली से लेंगे, जहाँ से तुम कहोगी वहां से। तो अर्जुमन साहबा, आपके बारे में डैड के ख्यालात ठीक थे, एक बार मिल जाओ तुम। डैड आप? जब बेटा अपनी मर्जी के फैसले करने लगे तो बाप को खुद चलकर आना पड़ता है उसके पास। तो कर ली तुमने अपनी मनमानी, लाखों रुपए खर्च कर दिए थे तुमने,
अपनी माँ की मस्कीन यतीम उस रिश्तेदार पर? डैड काम डाउन, ऑफिस है मेरा, आराम से भी तो बात हो सकती है ना। क्या बात करनी है, अब रह क्या गया है? जो तुम सोच लेते हो तुम वही करते हो। यकीनन तुम वहां गए होगे और जबानी कलामी गुफ्तगु करके आ गए होगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ डैड। तो क्या तुम उसे तलाक देकर नहीं है? डैड मैं वहां गया जरूर था लेकिन वो लोग अब वहां रहते नहीं। ओह, तो इसका मतलब है कि वो लोग वो घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। चलो अच्छा है, कसकम जहां भाग जान छूटी उससे। काश छूटी जाती। चाहिए आपको? नहीं बेटा। अब कैसी है आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ बेटा, बस जरा खुद गर्ज हो गई थी। बेटे के जाने के गम में अपनी बहादुर और साबिर बेटी को भूल गई। उजाला मेरी बच्ची, में तेरी राह में जितनी खुशियां लाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्या बात है, तकदीर उतने ही कांटे बिछा देती। कांटे तकदीर नहीं बिछाते, लोग बिछाते। काश काशिफ ने तेरे बारे में सोचा होता। अब तो इम्तियाज को भी गुरेज का एक और रास्ता मिल गया। अम्मी क्या आपको मेरी मोहब्बत में कोई कमी महसूस होती है? अरे नहीं बेटा, तेरी मोहब्बत तो मेरी जिंदगी का ईंधन है और तू मेरा असासा। तो आप सिर्फ मेरी खातिर गुजरे हुए वक्त के तमाम दुखों को भुलाकर आने वाले अच्छे वक्त के बारे में सोचें। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो बेटों को बेटियों पर फौकियत देते हैं। अरे कोई मेरी बेटी का हौसला तो देखे, कितनी बहादुर। खुश रहो, जीती रहो बेटी। कुछ अच्छे लग रहे हैं कपड़े, दिखाएं भाई, ये वाला दिखा दे। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई और सा दिखाएं। थोड़ा हेवी रेंज में चलेगा? हाँ हाँ दिखाओ। हाँ ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, बस ठीक है, मुझे यही वाला चाहिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कितने का है? वैसे तो ये 60-65 से कम नहीं है, मगर हमारी बहन को पसंद आ गया तो रियायत कर देंगे। कितनी रियायत कर देंगे? इसके मैं आपको फाइनल लगा दूंगा 50। 50? अरे यार तुम कोई और दिखा दो इन्हें। ठीक है आप इसे पैक कर दें, और बस 40 बहुत है। ठीक है पैक करें। 40? बहन वैसे ये वारे में नहीं आता, मगर हमारी बहन को पसंद है तो मैं कर देता हूँ। पैक तो करवाए। असगर पैक कर दो ये। पैसे निकाले? अब आपको कोई साड़ी वगैरह दिखाऊं? नहीं नहीं भाई बस काफी है, सही काफी है। तुम्हारे पापा पता नहीं कहाँ रह गए। आने वाले होंगे। मॉम पानी पास कर दें। बेगम साहिबा कस्टर्ड भी अभी ले आऊं? हाँ ले आओ। जी ठीक है। व्हाट अ सरप्राइज, सोसाइटी की क्रिकेट प्लेयर आज हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे। वाओ। डोंट बी एक्साइटेड, क्योंकि ऐसा रोज रोज नहीं होने वाला। आई ऑब्जेक्ट मॉम, मैं बिजी नहीं होती हूँ, आप दोनों बिजी होते हैं। स्वीट हार्ट तुम्हें किसने रोका है? तुम भी रजा के साथ कुछ प्लान करो ना। मैं तो कहती हूँ कि उसके ड्रेस और उसकी एंगेजमेंट रिंग की शॉपिंग के लिए चले जाओ उसके साथ।
Mom, you mean to say कि मैं रजा को शॉपिंग पे लेके जाऊं? वो भी हमारी साइड की शॉपिंग? हद करती हैं आप। वैसे बेटा, आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारी मॉम का। Go ahead. ये आपने कब से पार्टी बदल ली? हम्म? जब से तुम्हारी शादी का ख्याल आया, तुमने तो रजा के साथ रुख्सत होके चला जाना है उसके घर, लाइफ पार्टनर बन गए। फिर बेटा, मैंने तुम्हारी मामा के साथ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझा करो बेटा। एक काम करते हैं, मैं ना शादी नहीं करती। वैसे भी मुझे कौन सा आपको छोड़ के कहीं जाना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सारी बेटियां ऐसी हैं, और फिर अपने दूल्हा मियां के साथ रुखसत होके चली जाए। पापा, आपको नहीं लगता कि ये सारा सेंटी सीन शादी के लिए बचा के रखना चाहिए? अभी सिर्फ एंगेजमेंट हो रही है। चीयर अप नाउ। आप लोगों ने इतना शोर मचा के रखा हुआ है। चलें, क्या खाएंगे आप? आप लीजिए ना ये। थैंक यू। जब मैं साथ खाना खाऊं ना, सब लोगों को हैप्पी हैप्पी तो रखेंगे। तुम्हें पता है, आज उजाला मिली थी मुझे। अजीब इत्तेफाक है, जिस दिन वो मुझसे नहीं मिलती उस दिन तुम्हें टकरा जाती है। अच्छा, एनीवेज कहाँ मिली थी? मेडिकल स्टोर पे। आई थिंक उसकी मामा की तबीयत खराब है और खुद भी काफी डिस्टर्ब लग रही थी। मुझे उसकी अम्मी से मिलने जाना था लेकिन भूल गई। थैंक यू सो मच रजा। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरी दोस्त को ऐसे रिस्पेक्ट के साथ ड्रॉप देने के लिए। वैसे तुम्हारी दोस्त की शख्सियत कुछ है ही ऐसी कि सामने वाला उसे खुद ही रिस्पेक्ट देने लगता है। No doubt in that. तुम्हें पता है, उसकी इसी शख्सियत की वजह से पहले ही दिन मैं उसकी दोस्त बनने के लिए तैयार हो गई थी। अच्छा ये बताओ, आज क्या हम सिर्फ उजाला की बात करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे? अपनी बात ये है कि फुफो आ रही है। अपनी फुफो के आने के बाद गायब तो नहीं हो जाओगी ना? शायद। ओ डैम, फारिया मैं तो भूल ही गया यार, डैड कई दफा मुझे कह चुके हैं कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊं। कल का प्लान करते हैं ना? बल्कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कॉलेज से खुद पिक करता हूं, ठीक है? अब हंस क्यों रही हो? हंसने की तो बात है, तुमने पहले मुझे बोला कि प्लान बनाओ और सारा प्लान खुद ही बना दिया। हो जाता हूं एक्साइटेड जब मैं तुमसे बात करता हूं। मेरी प्यारी सवेरा के लिए। ये क्या है, इतनी छोटी सी मुंह दिखाई? कम से कम एक सोने की चेन और
लॉकेट तो दे दिया होता मुझे। तुम खुद उनसे मिली, घर बार देखा, लड़के से मिली, उसके बाद तुमने जबान तक दे दी, तारीख ठहरा दी, अब मना क्यों कर दिया? ऐसा थोड़ी होता है। आपके होते हुए ना मुझे किसी के जाने का गम है और ना ही किसी के लौट कर आने का इंतजार। अरे बस रहने, क्या मैं नहीं जानती निकाह के दो बोल लड़की को कितना बदल देते हैं। वो किसी और के साथ हंसी खुशी जिंदगी तब तक गुजार रही अम्मा जब तक मुझे नहीं मिल जाती।